कर्नाटक हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद अब सबकी नजरें केरला में होने वाले उपचुनाव पर है, जहां बीजेपी की ओर से मृगांका सिंह और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी के रूप में तबस्सुम हसन के बीच कांटे की टक्कर होगी। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह के निधन के बाद यहां चुनाव हो रहे हैं। 28 मई को जहां वोटिंग होगी तो वहीं 3 तारीख को नतीजे आएंगे। गोरखपुर और फूलपुर चुनाव हारने के बाद बीजेपी के लिए यहां स्थिति करो या मरो की है। अगर सीमाओं को पार करोगे तो मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। इसी के मद्देनजर सीएम योगी आदित्यनाथ 22 और 24 मई को यहां रैलियां करेंगे। वहीं मुजफ्फरनगर दंगों के बाद जाट और मुस्लिम वोटरों के बीच पैदा हुई खाई को पाटने के लिए महागठबंधन की ओर से सपा की तबस्सुम बेगम को आरएलडी के टिकट पर कैराना से चुनाव लड़ाया जा रहा है। शुरुआती आनाकानी के बाद कांग्रेस ने तबस्सुम का समर्थन तो किया, लेकिन बीएसपी ने उपचुनाव लड़ने से हाथ खड़े कर दिए। कहने को तो तबस्सुम हसन के पीछे आरएलडी, सपा, बसपा और कांग्रेस की ताकत है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह एकता नहीं दिख रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक न खोल पाने वाली आरएलडी की इज्जत दांव पर लगी है। बची खुची कसर राष्ट्रीय सचिव साहब सिंह ने बीजेपी में शामिल होकर कर दी। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार करने का अभी तक कोई कार्यक्रम नहीं बना है, और न ही मायावती ने गोरखपुर और फूलपुर की तरह कैराना में अपने नेताओं की ड्यूटी लगाई है। गौरतलब है कि बीएसपी के समर्थन से सपा दोनों उपचुनाव जीत पाई थी। उधर कांग्रेस ने भी आधे अधूरे मन से आरएलडी को समर्थन दिया है। इलाके में पार्टी से सबसे ताकतवर नेता इमरान मसूद और हसन परिवार में पुरानी दुश्मनी रही है। हालांकि दोनों परिवारों के सोशल मीडिया पर मिलन के फोटो वायरल हो रहे हैं, लेकिन इसका उपचुनाव में क्या असर होगा यह तो वक्त बताएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी अजीत सिंह को न तो मायावती और न ही अखिलेश यादव भरोसे का साथी मानते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि फूलपुर, गोरखपुर और अब कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी के लिए करो या मरो की स्थिति बन गई है। लेकिन इस बात की भी कम संभावना नहीं है कि महागठबंधन को अपनी एकता में कमी के चलते हार का मुंह देखना पड़ सकता है। देश प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए खबर इंडिया 7 को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मोबाइल पर सबसे पहले और फ्री में खबर देखने के लिए बेल आइकन दबाइए।